नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ दो कंपनीज के बारे में, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, सब्सिडरी कंपनी है। अब यहां पे बात करें अगर मैं, इनफैक्ट सब्सिडरी नहीं है, गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, ये ऑलमोस्ट वेदांता जो 65% ओन करता है हिंदुस्तान में, तो आप उसे एज ए सब्सिडरी कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन दोनों ही कंपनीज के लिए क्या खबर है, तो जेपी मॉर्गन एक बड़ी रिसर्च ब्रोकरेज फर्म है, आपको पता ही होगा, वहां से टारगेट निकल के आए हैं इन दोनों ही कंपनीज पे और टारगेट को डाउनग्रेड कराए इन स्टॉक्स को, और टारगेट कट करे हैं काफी हैविली जेपी मॉर्गन ने। अब उन्हें क्या दिख रहा है और निवेशक इससे डरे या ना डरे, इसको देखकर पोजिशन कट करें या ना करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वेदांता न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है और हिंदुस्तान जिंक मैंने भी चेक नहीं करा, मैं चेक कर लूंगा। एंड मेटल स्टॉक्स जहां पे तेजी की उम्मीद थी वहां पे कुछ भी तेजी नहीं दिख रही है, फ्लैटिशनेस देखने को मिल रही है। दुनिया भर के बाजारों में कमोडिटी के प्राइसेस भागे हैं और जिसके दम पर हमें उम्मीद थी कि भैया मेटल स्टॉक्स में तेजी आनी चाहिए, तेजी नहीं आई है। हिंदुस्तान जिंक फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और वेदांता फ्लैट टू नेगेटिव, ऑलमोस्ट 1% समथिंग, इनफैक्ट नेगेटिव है, फ्लैट नहीं कह सकते। तो पहले तो मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, तो जेपी मॉर्गन डाउनग्रेड्स वेदांता टू न्यूट्रल, कट्स टारगेट प्राइस टू 280 रुपीज। पहले ये 350 रुपए के लक्ष्य देख रहे थे जो कि अभी इन्होंने 280 रुपए कर दिए हैं। इनफैक्ट इनका क्या मानना है इसको समझ लेते हैं, इन्होंने हिंदुस्तान जिंक को लेकर भी टारगेट कट करे हैं, अराउंड 225 समथिंग के टारगेट्स रख दिए हैं। पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इनका क्या मानना है। तो ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन हैज डाउनग्रेड वेदांता लिमिटेड टू न्यूट्रल फ्रॉम ओवरवेट एंड कट्स इट्स टारगेट प्राइस टू 280 रुपीस अ शेयर फ्रॉम 350 शेयर। द ब्रोकरेज फर्म सेड द फिस्कल 2024 विल बी अ चैलेंजिंग ईयर फॉर वेदांता इफ एलएमई जिंक एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस डू नॉट रिकवर। तो प्राइसेस अगर रिकवर नहीं हुए तो चैलेंजिंग रहेंगे, तो वो वेदांता के लिए नहीं, सबके लिए ही चैलेंजिंग रहेंगे। अगर आप एल्यूमिनियम के प्राइस रिकवर नहीं होते तो हिंडाल्को नेल्को के लिए भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो तो प्रॉपर एल्यूमिनियम कंपनी है। जिंक के प्राइसेस नहीं रिकवर करते तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, तो मल्टी कमोडिटी, मेरे को लगता है ये रिपोर्ट ही आपको ध्यान नहीं देनी चाहिए इस पे, सिंपल सी बात बोलूं तो, क्योंकि 280 का टारगेट दिया है, 280 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये लोगों को बहकाने वाली बात हो गई कि भैया हमने टारगेट कट कर दिया, 280 रख दिया, अभी कल को 320 हो जाए शेयर, फिर रिपोर्ट आ जाएगी कि हमने 280 से बढ़ा के 350 कर दिया। अरे जब 280 शेयर था तब तो आपने बिकवा दिया लोगों का। तो मेरा मानना यह है कि जिनके पास भी है उन्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 280 का इनका जो टारगेट है वो तो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे जाता है तो इनके टारगेट मीट नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को बिकवा रहे हैं बिना बात के, वो तो फिर एडिशनल नीचे जा रहा है, तो लोगों को खरीदना और चाहिए कि भैया 280 का तो जेपी मॉर्गन जो बियरिश है वो कह रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज को लेकर नेगेटिव हूं और मैंने कहा है 15 रुपए की चीज है 10 रुपए जाएगी, चीज ऑलरेडी 10 पे, अगर वो 8 पे आ गई तो मैं नेगेटिव हूं, और नेगेटिव होने के बावजूद मैं 10 रुपए बोल रहा हूं तो वो खरीदने का मौका हुआ ना। तो ये रिपोर्ट आप पूरी तरीके से इग्नोर करें मेरे को लगता है, और इसका कोई महत्व तो नहीं है मुझे लगता है इस रिपोर्ट का। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए सबसे पहले तो हिंदुस्तान जिंक जो कि 310 पे ट्रेड कर रहा है, एक ही मुझे नेगेटिव दिखता है, अगर वो डील होती है, हिंदुस्तान जिंक वेदांता का इंटरनेशनल जिंक बिजनेस खरीदता है 24,000 करोड़ में, 2% उसे पे करता है एज अ रॉयल्टी रेवेन्यू का, तो ये नेगेटिव है, अदरवाइज कुछ नेगेटिव नहीं है, और ये प्राइसेस भी पॉजिटिव है। हिंदुस्तान जिंक तो अलग ही 310 पे, अगर ये कोई डिप देता है 290 तक तो वो मुझे बहुत अच्छे लेवल लगते हैं, वहां से स्टॉक 330 तक चला जाता है फिर 290 आ जाता है, यही रेंज में घूमता रहता है, तो नीचे वाला रेंज बढ़िया लगती है। बाकी मैं हिंदुस्तान जिंक को ज्यादा कवर नहीं करता हूं, बट फिर भी जो टेक्निकली दिख रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करा। अब अगर बात करें वेदांता की, तो सबसे पहले तो रिसेंटली डिविडेंड दिया 18.5 रुपए प्रति शेयर का, और जिन स्टॉक्स में डिविडेंड आ रहा है, रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन वेदांता डिविडेंड के साथ रिटर्न भी दे रहा है। आपको अगर कहां दे रहा है भाई, तो पूरे मेटल पैक में रिटर्न नहीं आए हैं, क्योंकि मेटल ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, चाइना से दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन चाइना से जैसे ही सुधरने की उम्मीद आएगी ये स्टॉक रॉकेट होंगे। इनफैक्ट मैंने अपनी आज की पहली वीडियो या सेकंड वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ एक पोर्टफोलियो शेयर करूंगा, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं, अपडेट नहीं थोड़ा खुलासा करूंगा, उस पोर्टफोलियो में मेटल स्टॉक्स हैं। इसके पीछे का रीजन ये कि ब्लूमबर्ग से फ्राइडे को खबर आई कि भैया चाइना इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। अब अगर ऐसा कुछ होता है, चाइना से ऑफिशियल न्यूज आती है, तो मेटल्स लीड करेंगे, यहां आपको दो बेनिफिट मिल सकते हैं, पहला डिविडेंड और दूसरा प्राइस भी आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा, क्योंकि बहुत सस्ते हो रहे हैं भैया, और ये तो एक साइकिल है,
कमोडिटी ऑलमोस्ट डेढ़ साल हो गया जो कि नेगेटिव चल रही है। अब ये साइकिल जब पॉजिटिव होगी तो यहाँ रिटर्न्स मिलेंगे, डिविडेंड मिलेगा और बनेंगे मल्टीबैगर शेयर। तो पकड़ के बैठने वाले शेयर हो रहे हैं इस समय ये। तो मैं आपके साथ इसी बेस पे एक रिसर्च भी लेके आऊंगा जो आपके साथ आज या कल के अंदर अंदर मैं शेयर करूंगा। तो ये मेरे को लगता है कि वेदांता को लेकर अगर ये नेगेटिव आ जाए, अगर आपको लग रहा है कि जेपी मॉर्गन डाउनग्रेड कर दिया है टारगेट, तो आप ये देखो भैया टारगेट जो दिए वहीं खड़ा है स्टॉक। तो मेरे को नहीं लगता आपको घबराने की जरूरत है और बने रहने की राय अपनी तो पूरी पूरी। 320 रुपए तो बहुत शॉर्ट टर्म में लगता है मुझे और 265 के आसपास आता है तो वो लेने के मौके मल्टीपल सपोर्ट्स हैं वहाँ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको ये वीडियो समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।